टूवर्ड्स रिसर्च प्रपोजल्स। साथ में मैंने यहाँ पे हमारे एक प्रोफेसर साहबा को एक ग्रुप बना करके हमने इनोवेशन सेंटर का भी शुरुआत की है जो वहाँ पे थी, अब उसे मैं काफ़ी बढ़ावा दे रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट की तरफ, तो जो पढ़ाई हो साथ में उनको इस तरह के कुछ ट्रेनिंग हो के उनको वो कल होकर के इंडस्ट्री के लिहाज से उनकी जो है वो हैसियत बढ़ जाए, उनके नॉलेज जो है वो इंडस्ट्री के लिहाज से भी हो। तो उसके लिए भी हम बहुत सारे बड़े कंपनीज से मैं रब्ता में हूँ, मैंने TCS से बात किया है और भी लोगों से कि कुछ कोर्सेज मैं उनके अपने कोर्सेज के साथ मिला के लूँ, क्योंकि हम अब मैंने पहले जैसे अनाउंस किया था हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम करेंगे, तो उसमें कुछ इस तरह के भी कोर्सेज हम लाएंगे जो इंडस्ट्री रिलेटेड हो, जो रिस्पेक्टिव ऑफ स्पेशलाइजेशन, कोई इंजीनियरिंग का बच्चा भी वो कर सकता है, मैनेजमेंट का भी कर सकता है, सोशल साइंस का, उसमें वो उसको वो इंडस्ट्री के लिहाज से उनको कुछ ट्रेनिंग मिल जाए। और ये मैं इंडस्ट्रीज के साथ ये कोर्सेज करवाने वाला हूँ। सर एक बड़ी प्रॉब्लम जामिया की ये रही कि जिस तरह से DU में कंपनी आती हैं और जॉब्स आती हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या जाने के? देखिए ऐसा है, DU में भी कितनी कंपनियां आती हैं मुझे भी पता है क्योंकि मैं खुद DU में बहुत साल तक पढ़ा चुका हूँ। ओके, सब जगह देखिए मुश्किलात हर जगह, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है, पहले नहीं आती थी उसकी वजह पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इस साल करीब 140 कंपनियाँ यहाँ आई, सिर्फ मुश्किल ये है कि लोगों को मालूम नहीं है 140 कंपनी आई हैं और हमें अच्छे खासे जॉब्स भी ऑफर हुए हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के भी, हिंदुस्तान के बाहर भी, हिंदुस्तान के अंदर भी। लेकिन मुझे पक्का ये भी पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन की ज़रूरत है, उसी के लिए मैंने इसे इंटरप्रेनरशिप सेल खुलवाया है। साथ में आपको जैसे मालूम होगा आप लोगों ने तो आपके न्यूज़पेपर वाले हैं कि अभी जो सेंट्रल सर्विसेज में आई थिंक जामिया मस्जिद वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज जहाँ पे 73 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है सेंट्रल सर्विस, ओके, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब एक